हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फुट ड्रॉप के बारे में समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका बैलेंस चेंज हो जाता है। आप जब चलते हैं तो लोगों को पता लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, और ये छोटी प्रॉब्लम मानकर आप लोग इसको छोड़ देते हैं। तो फुट ड्रॉप छोटी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हैंड पैरालिसिस होता है, जैसे स्ट्रोक होता है, जैसे पूरे लेग का पैरालिसिस होता है, ऐसे ही फुट का पैरालिसिस भी होता है। ये आपको पता लग जाएगा जब मेरे वीडियोस देखेंगे, उसके नीचे आप देखे कितने लोगों ने व्यूज किया है, कितने लोग देख रहे हैं। पहले मुझे भी ये नहीं था कि इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए जल्दी ये वीडियो वापस से आपके लिए लेकर आया हूं। और सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे मुझे फुट ड्रॉप के बारे में पूछा जाता है। फुट ड्रॉप में क्या हो रहा है, आप लोग पूछ भी रहे हैं, समझना भी चाहते हैं, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि ठीक कैसे होगी। अभी मैं आपको कमेंट्स बताऊंगा, तो उसमें आपको मिलेगा पूछ भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, फिर जब उनको बताया जाता है कि इस तरीके से ठीक होगा, फिर वो लोग बोलते हैं कि सर हम आना चाह रहे हैं, फिर उनके आते हैं कि सर आ नहीं पा रहे हैं, सर अब इसके साथ जीने की आदत हो गई। ऐसा मत कीजिए, हेल्थ डिसऑर्डर है। अभी तो आप इसके साथ चल लेंगे क्योंकि आप यंग एज में, जब और ओल्ड हो जाएंगे चलने में ये बहुत तकलीफ देगा। अगर बैलेंस नहीं बना आपका तो गिरने के चांसेस होंगे, तो और इंजरी हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फुट ड्रॉप होता क्यों है। मोस्ट कॉमन है इसका, सबसे ज्यादा चांस है कमर की वजह से होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर कमर से कैसे, कमर में स्लिप डिस्क होती है, नर्व कंप्रेस्ड होती है और सीधे फुट पैरालाइज हो जाता है, लेकिन ये अच्छे से रिकवरी भी कर जाता है अगर आपने टाइमली उस पर ध्यान दिया। सेकेंड नंबर एक्सीडेंट की वजह से होता है, थर्ड नंबर कोई सर्जरी हुई हो घुटने के पास में, हिप के आसपास में, या कोई रॉन्ग इंजेक्शन लगाओ। ये मोस्ट कॉमन कॉजेज है जिसकी वजह से फुट ड्रॉप होता है। फुट ड्रॉप के केसेस आज मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसके बाद से इतने पेशेंट आए हैं, और जयपुर से नहीं, जयपुर से तो आते ही हैं, ऑल ओवर इंडिया से, जिन्होंने हिम्मत की और जो चाहते हैं पूरे ठीक हो, उन्होंने आके ट्रीटमेंट लिया और उनको रिजल्ट्स मिले हैं। आप लाइव सुनिएगा इनसे। मेरा नाम अमन है, मैं बिहार कटिहार से हूँ। मुझे स्लिप डिस्क और फुट ड्रॉप हुई थी, तो मैं कटिहार पे भी अपने घर पे ट्रीटमेंट ले रहा था, तो कुछ असर नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी फुट ड्रॉप अब ठीक हो चुकी है। 5 से 6 दिन में ही मुझे इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया था। अब मेरी फुट ड्रॉप बिल्कुल ठीक हो चुकी है, कैसे भी मूवमेंट कर सकते हैं। हाँ, आपने मेरे कुछ शॉर्ट वीडियोज देखे होंगे फुट ड्रॉप के, कुछ लॉन्ग वीडियोस देखे होंगे। इनमें से 3 पेशेंटों को आज मैं आपको एक साथ बताने जा रहा हूं। ये लोग अभी दोबारा आए नेक्स्ट एडवाइस के लिए, तो अभी एक ऐसा टाइम था जहां पे तीनों एक ही समय पे थे, जिनके वीडियोस पहले से चल रहे हैं। आप देखिएगा, अब देखिए जैसे ये पेशेंट है, ये भी 2 दिन पहले आए, ये मुंबई से आए, इनका आप देखिए स्लाइट स्टार्ट हो गया है फुट में इंप्रूवमेंट आना। एक और पेशेंट है जिनके आपने वीडियोस देखे होंगे, ये नर्सिंग ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश में, ये वापस से आए, इनका देखिएगा 60-70% तक फुट में मूवमेंट्स हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद से ये रिकवरी स्टार्ट और हो गई है। अभी ये इसको 100% तक करने के लिए आई है। इनका 10 साल पुराना फुट ड्रॉप है, क्योंकि आप लोग विश्वास इसलिए नहीं करते हो, आपको ये बोल दिया जाता है कि 1-2 साल पुराना हो गया तो ठीक नहीं होगा। वो इसलिए ठीक नहीं होता क्योंकि मेडिसिन से ठीक नहीं होता, लेकिन एक्सरसाइजेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, कभी भी इंप्रूवमेंट आ सकते हैं अगर प्रॉपर वे में चल रहा हो। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट ब्रेन के थ्रू चलता है। अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप यहां आएंगे तो समझ में आएगा। ब्रेन को मैसेज देना है कि मुझे किस नॉर्म में कैसी वाली पावर चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जब फुट ड्रॉप हो जाता है तो आप उसको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, ऊपर तो वो खींचता नहीं है, हिप और नी मसल्स ही वर्क कर पाती है, जो कि रॉन्ग पैटर्न है। अगर इस तरीके से आप मूवमेंट कर रहे हैं तो कभी नहीं आएगा। 10 ईयर जो कि खुद नर्सिंग ऑफिसर है, उनका इंप्रूवमेंट आया 10 साल बाद, कैसे, इनका प्रीवियस वीडियो है अब देख लीजिएगा। क्योंकि ब्रेन को जो चाहिए वो टास्क कराना है, इस तरीके के मूवमेंट कराने, ताकि ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाए, और ब्रेन कुछ भी कर सकता है। आपने सुना है हम लोग 2-3% भी ब्रेन यूज नहीं करते हैं। आइंस्टाइन न्यूटन ने 7-10% तक का ब्रेन यूज किया है, तो ब्रेन के पास अनलिमिटेड स्पेस है, बहुत ज्यादा पावर है। उसी टेक्निक के थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए अलग अलग केसेस में इसलिए दिखा रहा हूं। अब ये वाला देखिए आप। मेरा नाम शिवा शुक्ला है, मैं वृंदावन से हूँ।
आज से करीबन 2 महीने पहले मेरे को सीरियर बैक पेन हुआ, मेरा एक पैर काम करना बंद कर गया, बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं था मेरा पैर। और इनका गैप जो डिस्क में बचा हुआ था, नस इतनी ज्यादा दब गई थी, 3 to 4 mm का गैप बचा हुआ है। उसके बाद आज इनकी रिकवरी देखिए, फुट कम्प्लीटली ड्रॉप हो गया था, घर से इन्होंने वीडियो भेजा, पूरा जीरो पे था, और 1 month के अंदर क्या इंप्रूवमेंट देखिए। ये अभी दोबारा आए बैक पेन के लिए, वो तो इनका ठीक हो चुका है। इस तरीके से इंप्रूवमेंट आते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सोचते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। मत आइए, लेकिन कम से कम एडवाइस प्रॉपर लीजिए। व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन में आप लोगों को डाउट होता है कि सर आप कैसे बताएंगे, अरे ऑनलाइन में कंसल्टेशन देता ही नहीं हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाता है उसमें। यहां मुझे 10 मिनट लगेंगे एक पेशेंट को देखने में मैक्सिमम, वहां मुझे 20 मिनट तक का टाइम चाहिए, क्योंकि समझाना होता है, इस तरीके से एंगल रखिए, ऐसे दिखाइए, आप कैसा कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट, एंगल, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन ये देखकर डिजाइन किया जाता है, फिर वहां पे आपको इंप्रूवमेंट आएंगे। जैसे कि ये पेशेंट, इनको पहले घर पे इंप्रूवमेंट आए तब ये भाग क्या है। ठीक है, एक चैलेंज ले रहे हैं, आप पहले घर पे एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो आपको घर पे जरूर देखने को मिलेगा, अगर प्रॉपर वे में। मेरे इतने वीडियो में से 1 या 2 वीडियो में एक्सरसाइजेस भी हैं, उनको फॉलो कीजिए आप। जो आपको नाम दिख रहा है फिजियो डॉक्टर संदीप भारद्वाज, जो फोटो लगी हुई है उसको क्लिक कीजिए। वो करने के बाद आप सीधे चैनल पे चले जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप फुट ड्रॉप वाले में चाहिए, ताकि आपको सारे वीडियोस मिले। आप एक देखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर हमें एक ही वीडियो मिला, बाकी मिल ही नहीं रहा, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। घर पे कोशिश कीजिए, और अगर टाइम ज्यादा जा रहा है और आप चाहते हो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं, मुझे चाहिए मोमेंट, तो फिर आना ही होगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आज तक ब्रेकल पैक्सिस, पैरालिसिस, सेरेब्रल पैल्सिस, ये ठीक नहीं होंगे, वो लोग भी ठीक हो जाते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचिए, कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि ब्रेन का सब कुछ रोल है, तो ब्रेन को हेल्दी रखना है। हाँ फ्रेंड्स, एक काम और आपको करना है, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, मुझे खुशी होगी अगर आप ये एक्सरसाइजेस घर पे करेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट आने लगेंगे, और मेरे वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व होगा। मेन टारगेट तो मेरा ये है कि आपकी हेल्प हो घर पे, फिर आप कमेंट करेंगे और आपको लगेगा सर रिप्लाई नहीं कर रहे, बहुत मैसेजेस होते हैं, सबको रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। और वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, और प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट समझिए, और आप भी औरों की हेल्प कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लोगों की हेल्प हो। थैंक यू फॉर